हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कुक विद प्रीति में। तो आज हम आलू और बथुआ की बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर चढ़ा दी एक कढ़ाई, उसमें डाला है सरसों का तेल। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, दो खड़ी लाल मिर्ची डालेंगे, 6-7 लहसुन की कली डालेंगे। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद डाल देंगे हम आलू, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर हम इसको मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड, 5 मिनट हो गई हैं। आलूओं को हम एक बार फिर से चला देंगे और फिर से हम ढक के पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अभी आलू थोड़े से टाइट हैं। सो देखिएगा फ्रेंड, आलू हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। चेक करके देखेंगे, देखिएगा आलू हमारे गल गए हैं फ्रेंड। यहाँ मैंने एक टमाटर ले लिया था, उसको कट कर लिया है। आलू में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो आंच पर हम इसको 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देखिएगा फ्रेंड, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। देखिएगा टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बथुआ। बथुआ को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आलू बथुआ की सब्जी फ्रेंड खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही कम मसालों में बन के तैयार हो जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बथुआ हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिएगा बथुआ भी हमारा सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड। इसको हम 1-2 मिनट के लिए खुला पका लेंगे, इसमें जो पानी है वो हमारा जल जाए। तो देखिएगा आलू बथुआ की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई है फ्रेंड। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक